नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे हैं कि सर आईपी यूनिवर्सिटी की इस बार जो कट ऑफ है हाई जाएगी या फिर लो जाएगी, हमें क्या इजीली एडमिशन मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ्स को लेकर। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना उनके अंदर कट ऑफ्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें टॉप फाइव कॉलेजेस की, 1, 2, 3, 4, 5, हर एक टॉप रैंकर की पहली जो प्रेफरेंस रहेगी, टॉप रैंकर जो होगा उसकी प्रेफरेंस शीट में हमेशा से ये पांच कॉलेजेस तो हमेशा इस तरीके से ही रहेंगे। तो जितने भी टॉप रैंकर्स हैं या फिर अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़रों में टॉप फाइव तो टॉप फाइव है। और टॉप फाइव की कट ऑफ हमेशा से ही हाई रहती है, वो जो एज यूजल चलती आ रही है पिछले सालों से वैसे ही कट ऑफ रहेगी। बट हाँ, इसमें भी 200 जो रैंक होते हैं 200 to 300 ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो नीचे के एवरेज कॉलेजेस हैं और जो लो रैंक कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाए, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एवरेज आ जाए, बहुत ऊपर तो नहीं आएंगी खैर, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत डाउन भी जा सकती है। और मैं बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल लेके कि स्टूडेंट्स का अभी तक जो रिव्यू आ रहा है एग्जाम को लेके, वो यही कहा जा रहा है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मेरे तो कुछ भी क्वेश्चंस ठीक नहीं हुए हैं, मेरे से तो मेरे को लगता है कि मेरे को तो मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप अकेले नहीं हो, इस तरीके से बहुत स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है। तो कहने की बात ये है, जब डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम ज़्यादा होता है तो यहाँ पे भी कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था जाके। अब हो सकता है कि स्टूडेंट बहुत सारे गए हों और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया हो, इसके बाद भी एक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कितने स्टूडेंट्स ने करा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इतने सारे आ जाते हैं एप्लीकेशन भरने वाले, उसमें से कुछ स्टूडेंट छट जाते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होता है, कुछ का मिस हो जाता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे निकल के आ जाते हैं जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, तो कुछ करते करते कुछ ना कुछ यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो लॉ की बात करूँ तो लॉ की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट आज भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैंने तो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना भूल किया। तो यहाँ पे उस बच्चे ने अपनी एक सीट छोड़ दी और वो एक सीट नीचे वाले स्टूडेंट के पास पास ऑन हो गई। तो यहाँ पे करते करते कुछ कट ऑफ नीचे भी आ जाती है, इस तरीके से बैलेंसिंग चलता है। लेकिन टॉप फाइव कॉलेजेस की कभी भी कट ऑफ लो नहीं जाती, एवरेज कॉलेज हो सकता है कि नीचे तक आ जाए। और इस बार भी चांसेस मेरे को इस तरीके से अंदर से फील आ रही है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत रैंक नीचे आएगी, लेकिन इतनी भी नीचे नहीं आएगी। और एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पे देखो इस बार ना आईपी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे स्मार्ट तरीके से अपने एडमिशन प्रोसेस को रन करा है। स्मार्ट प्रोसेस कैसे हो सकता है, आप देखोगे इन्होंने क्या करा कि जो बीए और बीबीए एलएलबी है इनको अलग कर दिया एमबीए के साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दो कोर्सेज़ के लिए वो अभी से फ्री हो चुके हैं। इसके अलावा पांच कोर्सेज़ का उन्होंने अलग सेट बना दिया, बीबीए, बीसीए, बीकॉम और साथ में एक बीएड का कोर्स जो हुआ था, और बीजेएमसी, इन कोर्सेज़ के लिए इन्होंने अलग सेट बना दिया, ग्रुप बना दिया। इसके अलावा बीए इकोनॉमिक्स और जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह होते हैं उनके लिए इन्होंने अलग सेट बना दिया एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, सीरियल वाइज ये सारी कोर्सेज को अलग अलग टाइम देके और इस तरीके से इन्होंने अपना टाइम रखा है कि बच्चे के पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है। दूसरी तरफ देखोगे डीएसयू का, तो डीएसयू के अंदर पूरा मेरिट बेस्ड सिस्टम है, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ बच्चे जो है हाई परसेंटेज वाले हैं वही एलिजिबल रहेंगे। बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन है वो लास्ट में हो रहे हैं, मतलब सितंबर में, तो उनका सितंबर एंड के अंदर तो डीयूजेट का एग्जाम है, ठीक है। हर साल क्या होता था कि आईपी और डीयू दोनों एक साथ लेवल में चलते थे, तो यहां से बच्चे निकल के डीयू में चले गए, यहां से बच्चे निकल के आईपी में आ गए। लेकिन अब यहां पे आपके पास वाइस वर्सा नहीं है, यहां पे आपके पास ये नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे नहीं हो रहा तो डीयू में चला कर जाता हूँ। डीयू के लिए अगर आपको सोचना है तो बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी आपने आईपी से सीट खो दी और डीयू में भी आपको एडमिशन नहीं मिला तो आपका पूरा साल वेस्ट हो सकता है। तो इस चक्कर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स कन्फर्म स्टूडेंट्स ज़्यादा कराएंगे, ज़्यादा अमाउंट में कराएंगे, क्योंकि एक ये सेफ एंड सिक्योर तरीका लग रहा है आज की डेट में। अगर इसको आप स्किप कर देते हो तो इसके बाद आपके पास सिर्फ मेरिट बेस और डिफिकल्ट ऑप्शंस बचेंगे और प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन बचेंगे। तो यहाँ तक है, कट ऑफ आपकी ज़्यादा हाई
हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें कट ऑफ हाई से कोई भी मैटर नहीं है। अगर आपका रैंक अच्छा है, आपने स्मार्टली अपने एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करा है, तो आप नीचे के रैंक वालों से भी ज़्यादा अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। बस वो यही है कि आपको कोई भी स्टेप अपना मिस नहीं करना, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। जिस स्टेप के टाइम पे जो करना है वो आपको ज़रूर उस टाइम पे उस प्रोसेस को फिनिश करना है। अगर आपने बाकी लोगों की तरह भी मिस्टेक करी, कई बार क्या होता है कि जो बच्चा रैंक वन लेके आता है, रैंक टू लेके आते हैं, और वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना भूल जाते हैं, टाइमली 40,000 पे नहीं करते, तो उनकी सीट भी वहाँ पर वेस्ट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक स्टेप पर आपको पूरा फोकस करके चलना है। कट ऑफ चाहे हाई जाए चाहे लो जाए, आपको अपनी एक सीट से मतलब है, वो आपको मिलके ही रहेगी, और पूरा एडमिशन सपोर्ट आपको लास्ट तक मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एडमिशन सपोर्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया है। अगर आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कॉलेज के सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपसे कोई स्टेप स्किप हो गया है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना हाई प्रायोरिटी पे हो सकता है, मैं आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।